बैतूल से छिंदवाड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 09589 में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रेन के दो डिब्बे जलकर खाक हो गए, जबकि एक डिब्बा आंशिक रूप से जला है। घटना के बाद रेलवे की सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, इस ट्रेन को स्थगित कर दिया गया। घटना बैतूल छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन में हुई है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन दोपहर 12:30 बजे बैतूल पहुंचती थी। यह लूप लाइन पर खड़ी थी, 4:00 बजे यह छिंदवाड़ा के लिए रवाना होती। करीब 4:00 बजे इसे प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था। इसी दौरान मलकापुर आउटर पर माचना नदी के पुल के पार अचानक ट्रेन में आग लग गई। इसकी दो बोगियां धो धो कर जल उठी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में ट्रेन की दोनों बोगियों को छोड़कर शेष बोगियों को अलग किया गया, साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची भी, लेकिन यह ट्रेन जिस जगह खड़ी थी वहां तक फायर ब्रिगेड का जाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे में खेत मालिक ने अपने मोटर पंप से जलती बोगियों पर पानी डाला। आग इतनी विकराल थी कि इस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सका। इस ट्रेन में लगी आग के बाद इसे बड़ी लापरवाही की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन छिंदवाड़ा जाने के लिए यार्ड की ओर भेजी गई थी, जिसे मुख्य लाइन पर लिया जाना था। इस दौरान इसकी सुरक्षा के लिए यहां कोई मौजूद नहीं था। ट्रेन की अधिकांश बोगियां खुली हुई थी। ऐसे में असामाजिक तत्वों की शरारत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेन 4:00 बजे छिंदवाड़ा के लिए रवाना होती है, जो रात में छिंदवाड़ा से इंदौर के लिए रवाना होती है। इसमें आग के बाद आज इस ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। ट्रेन के स्थगित होने से सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैतूल में आगामी 25 नवंबर को जीएम का दौरा है। इस बीच हुई इस घटना से रेल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए हैं। जानकारों की माने तो ट्रेन में आग सुरक्षा कारणों की चूक है, इसकी जिम्मेदारी आरपीएफ की है। घटना के समय आरपीएफ कमांडेंट भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वे कुछ भी कहने से बचते रहे। आरपीएफ के बैतूल प्रभारी ने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि स्टेशन मास्टर ने भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें युवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।